जय दाता ऋषा, प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत शिरोमणि ब्रह्मलीन खेताराम जी महाराज एवं युग पुरुष शिक्षा साथी ब्रह्मलीन श्री आत्मानंद जी सरस्वती जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं बहनों युवा साथियों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, शुभ समय राजपूत लाइव डिजिटल न्यूज चैनल ने एक डिबेट की श्रृंखला शुरू की है और हमारे साथ में विशेष मेहमान वन टू वन भी हम डिबेट कर रहे हैं। हमारे सामने श्री शंकर लाल जी रघुनाथपुरा जालोर से जुड़ चुके हैं और वो वापी से जुड़ चुके हैं इस समय। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। शंकर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी शंकर लाल जी, राजपुरोहित समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है पूरे समाज को कि जी सर। जब कन्या का जन्म होता है जी तो पहले जमाने में यह होता था कि जब लड़के का जन्म होता था तो थाली बजती थी ताकि आसपास के पड़ोस और गांव को पता लगे कि हमारे घर में पुत्र रत्न हुआ है, और अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। लेकिन अब समय बदला है और आज तो कन्या जन्म पर एक कदम आगे ढोल धमाके थाली और गीत गुंजन स्वागत फूलों की क्यारियां और एक उत्सव घर में वातावरण हो गया है। अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति समिति और समाज की नारी शक्ति की चेतना का वाक कह सकते हो। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं और ये होना ही चाहिए था। और जब हमारे समाज में ऐसा होगा तो हमारे समाज में देखते देखते दूसरे समाज भी ऐसे सोचेंगे ये कार्य करने का। और ये कार्य जो भी अच्छा हो रहा है बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और होना ही चाहिए अपने समाज में ऐसा। चलिए, ये होना चाहिए और शुरुआत हुई है। लड़का लड़की एक समान, एक नया वातावरण तैयार हुआ है। अब एक कदम आगे राजपूत समाज की नारी शक्ति का एक पंचामृत कार्यक्रम है जिसमें पहला कार्यक्रम है कि नारी को सम्मान मिले। अब नारी को सम्मान मिले तो अपने अपने घरों में तो सब अपने अपने तरीके से संस्कारों से जो नारी को सम्मान देते ही होंगे, और नहीं देते तो देना भी चाहिए। लेकिन लेकिन इस संस्थान ने, राजपूत समाज की पहली संस्था है महिलाओं की, इस संस्थान ने यह सोचा है कि जो बच्चियों का जन्म होता है, कन्याओं का जन्म होता है, उस कन्या को भी और उनके परिवार को भी राजपूत समाज के मंच पर ला करके उनका सम्मान किया जाए। तो क्या लगता है, क्या देखते हैं आप इसको लेकर के? नहीं, हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं, अच्छा है और करना ही चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो अपना समाज जागृत हो जाएगी और ये होना ही चाहिए, सम्मान देना ही चाहिए। क्योंकि आज अपन खाली बच्चों को सम्मान देते हैं, लड़की लोग को भी सम्मान देना चाहिए। नारी शक्ति इतना शक्ति उसमें के अब क्या बोलो भी, आपको मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन होना ही चाहिए। ये आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत हमको बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है और सब समाज में होना चाहिए, अपना समाज में होते होते पीछे दूसरे भी करना चाहिए ऐसा। यानी प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे कैसा होना चाहिए। और जिस घर में कन्या का जन्म होता है तो मैं समझता हूँ वो तो सौभाग्यशाली परिवार होता है। सौभाग्यशाली है, सबसे और बड़ा सौभाग्यशाली जब परिवार होता है तो जी जी बोलिए। साक्षात लक्ष्मी है घर में, साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी आती है। बात सही कही आपने। अच्छा, ये बताइए आप, समाज क्या सोचता है, समाज क्या समझता, आप युवा क्या समझते हैं, युवा क्या सोचते हैं कि राजपूत समाज के बहुत से संगठन है, ठीक है, लेकिन राजपूत समाज की नारी शक्ति ने एक संगठन खड़ा किया है। उनका उद्देश्य यही है कि समाज में शुभता आए, परिवार में शुभता आए, मान सम्मान बढ़े, और पंचामृत कार्यक्रम में पहला ये कार्यक्रम है। तो ये संगठन खड़ा हुआ है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सब इसमें होना ही चाहिए। अपन को होगा, अपना कार्य होगा, देखेंगे लोग तभी सबको पता चलेगा कि क्या क्या होना चाहिए समाज में। और सर्व पहले ब्राह्मण समाज तो उसमें पहला होएगा, तो दूसरे भी वो शिक्षा लेके सीखेंगे ऐसा काम। आप यही कह रहे हैं कि बार बार के इस राजपूत समाज में अगर मान लो इस तरह का काम शुरू होता है तो दूसरे समाज भी जो इनका फॉलो करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा काम के लिए हर समाज फॉलो करते हैं। और यही मनोगत यह है कि राजपूत समाज की नारी शक्ति ऐसा काम करें, ऐसा सुसंस्कृत काम हाथ में जो लिया है, शुभता आ जाए, सर्वत्र एक नया आनंद और वातावरण आए, सबको सहयोग मिले,
तो एक जी उसको लेकर के प्रेरणा, दूसरे समाज भी सोचते हैं कि हाँ अगर काम करना है तो राजपूत समाज की नारी शक्ति जो कर रही है उससे करना चाहिए, हाँ, ऐसा करना चाहिए, वो उनको भी सीख मिले, उनको भी कार्य सीख अच्छा मिले। करना तो चाहिए। शुरुआत जो है एक कह सकते हो कि इंजन, अगर हाँ महिलाओं की शक्ति का आगे बढ़ना है तो राजपूत समाज को बनना होगा, यही हुआ ना। तो बनना होगा, जी जी क्या जी लगता है बनना राजपूत होगा, समाज की नारी शक्ति कर पाएगी? कर पाएगी जरूर, मेरे को पूरा पूरा विश्वास है, मेरे को मेरे राजपूत समाज पे बहुत विश्वास है, बहुत गर्व की बात है और होना चाहिए ये प्रोग्राम। और मैं नारी शक्ति को भी कहता हूँ कि एकदम गर्व से खुशी से कीजिए आप, ताकि आपके पीछे दूसरे भी सुधर जाए, जो अगर नहीं कर पा रहे तो वो भी आपको देख के सीख जाए। ऐसा जी, तो राजपूत समाज का युवा क्या सोचता है? युवा हम सब सोचते हैं कि होने चाहिए ऐसा ये, और हमको बहुत खुशी है खुशी है। हमारी, हाँ नारी शक्ति हमारी, हम लक्ष्मी मानते हैं उनको, बरबर तो वो होना ही चाहिए, वो लोग अगर आगे रहेंगे तो हम हमारा उज्जवल होगा। जी, तो आप में उत्साह है, समाज में उत्साह, युवाओं को भी उत्साह होना चाहिए कि एक अच्छा काम है वो होना ही चाहिए, और नारी होना शक्ति ही के लिए युवा चाहिए। सदैव खड़ा रहा है और रहेगा। हाँ और ये पहली बार हो रहा है कि नारी शक्ति खुद नारियों के सम्मान में आगे बढ़ी है, यानी उन महिलाओं के, उन शक्ति के सम्मान में आगे बढ़ी है जो नवजात, जो शुभारंभ से, शुरू से ही जिनका जन्म हो रहा है उनके स्वागत के लिए खड़ी हो रही है, होना होना ही चाहिए। चाहिए। जी हाँ जी जी आपने कहा होना चाहिए। तो ये नारी शक्ति के कार्यक्रम को लेकर के आपके परिवार में भी जानकारी तो हुई होगी, चर्चा परिचर्चा नहीं, की होगी, तो क्या क्या सोचते हैं वो, क्या कहते हैं वो? बहुत बढ़िया हो रहा, और बोलता होना ही चाहिए ऐसा, और ये जब होगा तो अपन दूसरे अपना समाज में सब नारी भी समझ जाएगी, सीख जाएगी, उनको पता भी चलेगा, जो अमुक जैसे कि गांव में रहते हैं सब, तो उनको पता नहीं रहता कि अपन को कैसा जीना रहता है, अपनी समाज कितनी ऊपर है, क्या है, कैसा रहना चाहिए, हल चलन सब, अपनी नारी की शक्ति कितनी है वो भी उनको जान में आ जाए ऐसा। क्या योग्यता है, कितना आगे बढ़ सकती है, कितना आगे जो हाँ है ऐसा काम समाज के लिए कर सकती है। और यही जी, बात सभी कहते हैं कि जहाँ बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है, तो मैं समझता हूँ ये जीत बड़ी का होती है, एक शंखनाद है, और समाज के जी जी सभी युवक हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, यही जी सब सोचते हैं कि नारी शक्ति का जो धुंधली बजी है, नारी शक्ति का जो सामाजिक क्रांति का जो वातावरण तैयार हुआ है उसको आगे ले जाने में जी हम सब साथ में हैं। ये हमारे विशेष मेहमान शंकरलाल जी, मैंने बताया आपको, रघुनाथपुरा जालौर से हैं और वापी में अपना कारोबार करते हैं, लेकिन व्यस्त समय निकाल करके अपनी दुकान से खुद वो चाहे कि मैं भी अपनी बात कहूं समाज के लिए, नारी शक्ति के लिए। उनके घर की बात उन्होंने कही कि मेरे घर में भी ऐसा वातावरण होता है कि ऐसा काम होना चाहिए। तो ये अपना केवल एक परिवार की बात नहीं है, सारे परिवारों की बात है, सब परिवार सोचते कि ऐसा राजपूत अच्छा समाज काम एक होना पूरा चाहिए। परिवार है, सब अपना एक ही परिवार है, हम अलग नहीं मानते हैं कि वो फलाना जगह का पुरोहित है वो फलाना, हम जो राजपूत समाज है तो हम एक ही, हमारा ही परिवार मानते हैं हम। नारी शक्ति भी यही, उनका भी वृद्ध विचार यही रहता है, नैरो माइंड जी नहीं जी है, बहुत बहुत विस्तार उनके मस्तिष्क में रहता है, और है बहुत न क्षेत्रवाद बहुत खुशी हो की न बात है, जातिवाद हो, और संपूर्ण जी राजपूत समाज हमारा है, और संपूर्ण राजपूत समाज के माध्यम से एक विश्व को एक नई देन दे, एक नया काम करे, जी एक नई परंपरा जो शुभता दे वो काम शुरू करे। जी और मैं समझ, धन्यवाद, मैं बहुत नारी शक्ति को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, मैं उनके आगे नमन करता हूँ, मेरे को बहुत खुशी बहुत बहुत है। अभिनंदन आपका, सदैव मैं भी नमन धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सारे युवा जो हैं, देखिए नारी शक्ति, सारे युवा जो हैं अपने अपने व्यवसाय में दूर दराज बैठे हैं, सब यही सोचते जी हैं, और हमने इसका शुभारंभ किया है। बहुत जल्दी माताओं और बहनों को भी हम सीधा लाइव लेंगे, वो क्या सोचती है, समाज के जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे भी हम सीधा रूबरू बात करेंगे, क्योंकि एक एक जी संगठन, एक संगठन जी होता है तो संघे शक्ति कलयुगे, संघ जी इस कलयुग में संघ की जीत यानी समाज की जीत तभी होती है कि संगठन खड़ा होता है, और जब राजपूत समाज संगठन का संगठन खड़ा होगा करता तो मैं समझता हूँ दुनिया देखेगी उसको, और देखनी चाहिए। आप देखेगी, बार बार यही कह रहे थे, देखनी चाहिए। देखनी चाहिए।